हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप सीसी में फोटो से ब्लेमिश कैसे हटाते हैं और फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो एक इमेज हमने ले रखा है, इसमें कर्व और लेवल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से भी हम लेवल या कर्व ऐड कर सकते हैं। देख सकते हो कितना स्मूथ आ गया है जो इमेज थी हमारी, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये देख सकते हो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा कर्व भी ऐड कर लेते हैं। लेयर पे सिलेक्ट करेंगे, लेयर जाएंगे, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ये देख सकते हो कर्व, ओके। और ये देख सकते हो इसको ओके कर देंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल जे करके हम ओरिजिनल एक रख लेते हैं और इन सब तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके हम मर्ज लेयर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहले ये था, अब ये हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम अपना जो भी इफेक्ट लगाना है लगाते हैं। पहले तो हम इसी में थोड़े से हम ये जो बड़े बड़े से ब्लेमिश है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, स्पोर्ट्स हटाएंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े से हैं इसको हटा देंगे। ठीक है, और जो बड़ा है इसके लिए हम फिश टूल का सिलेक्ट यूज करेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे इससे ऐड सिलेक्शन पे, और ये सोर्स पे ऑन होना चाहिए। और जहाँ पे लेके जाएंगे हम उस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आ गया है हमारा। और इसको हम तीन चार डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए लेयर में जाएंगे, न्यू, यहाँ पे देख सकते हो लेयर वाया कॉपी, ठीक है, कंट्रोल जे, ठीक है। ये चार हो गए हैं हमारे। इसमें हम हाई पास लिख देते हैं, हाई पास, ठीक है। इसमें ब्लर लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा बन गया है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस करके इसको सिलेक्ट करके जाएंगे फिल्टर, यहाँ पे जाएंगे अदर, यहाँ पे देख सकते हो हाई पास, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको दो कर देंगे, ठीक है, ये ठीक है दो पे। और फिर यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से ये देख सकते हो वाइविक राइट क्लिक रख देंगे। पहले ये था, अब ये हो गया, ठीक है। और इस ब्लर को भी ब्लर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर, थोड़ा सा और कर लेंगे ब्लर, नहीं इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, ब्लर। और इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। और ब्लर वाले को ही सिलेक्ट करके यहाँ पे इसमें ऐड लेयर मास्क को ओके कर देंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे कंट्रोल आई के साथ, ठीक है। इस तरीके से हो गया है। और इसको हम वाइट को ऊपर ही रखेंगे और यहाँ पे हम ब्रश में जाके ब्रश को ऑन कर लेंगे और यहाँ से एक जनरल ब्रश पे क्लिक कर देंगे। अगर इसको ब्लैक को ऊपर करने हैं तो सिंपली कुछ नहीं करने हैं, एक्सप्रेस करोगे तो ऊपर हो जाएगा और फिर एक्सप्रेस करोगे तो नीचे हो जाएगा। फिलहाल हम ऊपर रख के काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। और ये ओपेसिटी 60 ही रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ब्रश को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं चलाएंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये देख सकते हो जो हमारा ब्रैकेट है, राइट को हम करेंगे तो बड़ा होगा, लेफ्ट को करेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से जिससे हमारा जो नेचुरल इमेज है उस तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके से इसको हटाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमारा देख सकते हो कितना खूबसूरत एडिट हो गया है। इस पर भी थोड़ा सा हम ब्रश चला लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। और इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से मर्ज लेयर कर लेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं, और इसको हम हाइड कर देंगे और इसका भी डुप्लीकेट करके एक को हाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसमें हम काम कर लेते हैं, यहाँ से हम सॉलिड कलर ले लेते हैं, इसके लिप्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम जो लिप्स हैं उसको हम पेंट करते हैं, इसको अच्छे से हम पेंट करते हैं। यहाँ पे ऑपेसिटी 100 होनी चाहिए, ठीक है। पहले आराम आराम से इसको हम पेंट कर लेंगे, अगर दोस्तों ऊपर अगर ऊपर नीचे अगर कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी हम हटा सकते हैं, उसके लिए हम बताते हैं अभी फिलहाल। ये इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फिलहाल। और ये थोड़ा सा हमारा बाहर आ रहा है और इसको ऊपर कर लेंगे, और जहाँ पे हमें कम करना है उसको इस तरीके से देख रहे हो कम हो रहा है, ठीक है फिलहाल। और इस पर हम जाते हैं सॉफ्ट लाइट, आप कोई भी कर सकते हो, सब पे अच्छा आता है, मल्टी रहने देते हैं। और फिर जाते हैं इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा अंडर अंडरलाइनिंग लेयर। और फिर इसको अल्ट के साथ हम तोड़ लेंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो नमी सी आ रही है तोड़ के सही कर लेंगे, इसको ओके कर लेंगे। और फिर चाहेंगे तो हम सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम ये ओपेसिटी कम कर दें कर के हम भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर ये आ गया हमारा। और अब थोड़ा सा इसके आईब्रो पे काम करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जाते हैं हम फिल्टर, और यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट शार्पन, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ से सिर्फ देख लेते हैं हम, यूजर लेजेंसी पे होनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जो इमेज है उस हिसाब से ये आप ज़्यादा कम कर सकते हो। फिलहाल हमारे इसके जो फिलहाल जो इसके जो ये बाल होते हैं वो सही दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इमेज सही है नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल हम इतने पे हम ओके कर देते हैं, ठीक है, ये सारे उस पर दिख रहा है, ये देख सकते हो। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई कर देंगे, ठीक है। और फिर ठीक है, और फिर जाएंगे इसको वाइट को ऊपर कर लेंगे, और ये ब्रश ले लेंगे, और फिर बड़ा करके जहाँ जहाँ हमें लगाना है वो लगा सकते हैं, देख सकते हो चेंज हो रहा है। और इस पर भी जो आईब्रो है इस पर भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा इस पर भी हम सेट कर लेते हैं, ये देख सकते हो बाल थोड़ी सी हमारी ये इमेज लो रह जाए, ठीक है। और इसको भी हम अब देख सकते हैं हम दोस्तों, ये हमारा अभी है और ये पहले का था, देख सकते हो काफ़ी अंतर हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।